तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और ग्राफ लाई हूँ जो कि रेबिट का है। और इसके लिए मैं, देखिए, आपको इसमें एक रेबिट का ग्राफ बता रही हूँ। और इसके लिए मैं इसमें 23 फंदे डालकर थोड़ा सा बुनी हुई हूँ और इसमें आपको बता रही हूँ। तो आपको उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रेबिट बनाना। तो सबसे पहले आप इधर साइड में, तो आप ये बेबी के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये प्यारा सा रेबिट बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इधर 8 फंदे ब्लैक कलर से बनाइएगा। आप जो भी कलर यूज कीजिएगा वो बनाइएगा। मैं अपने आपको इसमें बता रही हूँ, जो ब्लैक से पहले आप 8 फंदे सीधा बुन लीजिएगा और उसके बाद ये लाइट कलर से आप 6 फंदे आपको सीधा बुनना है। लाइट कलर से 6 फंदे और रूल को आगे लाते जाइएगा और फिर यहाँ बीच में आप 2 फंदे ब्लैक से बुनिएगा और फिर इधर 2 फंदे आप लाइट कलर से बुनिएगा और फिर इधर जो बाकी फंदे हैं इसको आप ब्लैक कलर से बुन लीजिएगा। तो अब दूसरी सिलाई में देखिए, जो इधर साइड के जो फंदे हैं ब्लैक कलर से आप इसको बुन लीजिएगा और फिर ये लाइट कलर से जो 2 फंदे हैं उसको हम अब 3 फंदे बनाएंगे। और यहाँ पर जो एक ब्लैक कलर है उसको ब्लैक कलर से और फिर ये जो लाइट कलर का है उसको एक हम ब्लैक कलर से बना लेंगे। और यहाँ पर फिर हमको जो लाइट फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको लाइट कलर से बुनेंगे और फिर इधर हमको 5 फंदे इसी से आगे बुनना है। तो लाइट कलर से ही आगे इसको रेबिट का शुरुआत कर रहे हैं इसका शरीर। तो ये हम अब 5 से 10 फंदे बना लेंगे। तो ये देखिए 10 फंदे लाइट कलर से और बाकी के जो फंदे हैं यहाँ पर 3 ब्लैक कलर से। तो देखिए, अब तीसरी सिलाई में ये जो ब्लैक फंदे आपको दिख रहे हैं इसको हम 2 ब्लैक बनाएंगे और फिर यहाँ पर 1 फंदे हमको ये लाइट कलर से बनाना है। तो यहाँ पर 10 फंदे लाइट बनाना है लाइट कलर से और रूल को आगे लाते जाएंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 फिर 9, ये 10 फंदे लाइट कलर से और 2 फंदे यहाँ ब्लैक कलर से और फिर यहाँ पर 3 फंदे हमको लाइट कलर से बनाने हैं और बाकी जो इधर आपको दिख रहे हैं ये सारे फंदे ब्लैक कलर से बना लेना है। चौथी सिलाई में देखिए, जो ये ब्लैक कलर के फंदे आपको दिख रहे हैं उसको हम ब्लैक ही से बुनेंगे, ब्लैक से बुन लेंगे और फिर यहाँ पर एक लाइट कलर को फिर हम ब्लैक बना लेंगे और यहाँ पर को 12 फंदे लाइट कलर से बनाने हैं। आप ऊन को आगे लाते जाइएगा। तो इस तरह से आगे उल को लाते जाइएगा। फिर देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8 फिर 9, ये 10, 11
11 फंदे आपको लाइट कलर से बनाना है, और ये एक फंदे आप छोड़ दीजिएगा, और फिर यहाँ पर इसको एक ब्लैक बनाना है, और फिर यहाँ पर एक लाइट कलर से बनाना है, और ये बाकी जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो देखिए अब 5वीं सिलाई में इधर से हम ब्लैक बुनेंगे, और ये लाइट कलर को आपको दिख रहे हैं इसको भी हम ब्लैक बना लेंगे, और इसको भी ब्लैक जो है उसको भी ब्लैक बनाएंगे, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं उसको लाइट कलर से 11 फंदे हमको बनाने हैं। तो जो जैसा फंदा आपको दिख रहा है ये सारे फंदे इसी कलर से आपको बना लेने हैं, और आगे इस फंदे को आप लोग करते जाइएगा। और ये जो है ब्लैक कलर, इस सारे फंदे को आप ब्लैक कलर से बना लीजिएगा। देखिए 6वीं सिलाई में ये जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं उसको हम ब्लैक बना लेंगे, और इसके आगे हमको ये 2 ब्लैक है इसको आपको लाइट बना लेना है लाइट कलर से, और ये फिर सारे फंदे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो जैसा है उसको उसी कलर से बनाना है। ब्लैक यहाँ है 4-5, तो इसको ब्लैक से, और जो सारे फंदे हैं लाइट कलर से उसको लाइट कलर से। तो लाइट कलर का फंदा बन जाएगा मेरा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 फंदे लाइट कलर से बनाइएगा, और 5 फंदे ब्लैक कलर से। देखिए जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं उसको आप ब्लैक बनाइएगा, और जो लाइट कलर से है उसको आप लाइट कलर से बुनिएगा, और ऊन को आप आगे ले जाइएगा, ब्लैक कलर के ऊन को लाते जाइएगा आगे, और जो लाइट कलर के ऊन से अभी बना हुआ है तो ये देखिए रैबिट का पूंछ बन के तैयार हो गया है, और यहाँ ये इसका पैर बन गया है। अब इसका हम आगे से माउथ बनाएंगे, मुंह बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर अब हमको ये जो आगे इससे एक फंदा आगे बढ़ाकर लाइट कलर से ये जो ब्लैक है उसको भी हम एक फंदा आगे बढ़ाएंगे बना लेंगे लाइट कलर से, और ये जो 4 फंदे हैं इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो अब देखिए इधर 8वीं सिलाई में 4 फंदे ब्लैक कलर से और 3 फंदे लाइट कलर से, 3 फंदे लाइट कलर से बनाइएगा। और अब आपका रैबिट का आँख बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर एक फंदे ब्लैक कलर से और इधर लाइट कलर से 9 फंदे बनाने हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये एक जो है इसको आपको ब्लैक बना लेना है, और ये जो बाकी के फंदे हैं इसको भी आप लोग ब्लैक बना लीजिएगा। तो अभी सिलाई में देखिए आप लोग ब्लैक जहाँ पर है वो सारे फंदे हम ब्लैक बुनेंगे, और इसको भी एक फंदा ब्लैक बना लेंगे, और यहाँ पर 5 फंदे लाइट कलर से, 3, 4, फिर ऊल को आगे लाते जाएंगे, और ये 5, और फिर यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर से बनाइएगा, और फिर यहाँ पर 2 लाइट कलर से बनाइएगा, और फिर ये रैबिट का आँख, 1 ब्लैक और ये 2 ब्लैक कलर से, और फिर ये 2 आगे लाइट कलर से बनाइएगा, और ये जो 4 फंदे हैं इसको हम ब्लैक कलर से बना लेंगे।
तो ये अब रेबिट का आँख बन के तैयार हो गया है। तो अब उल्टी तरफ में देखिए, जहाँ पर आप ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक, वहाँ सारे फंदे ब्लैक से, चार फंदे और यहाँ पर छह फंदे आपको लाइट कलर से बनाना है। 3, 4, 5 और उल को आगे लाते जाइएगा और ये रहा छह और ये सारे फंदे आप ब्लैक कलर से इधर बना लीजिएगा। तो अब रेबिट का हम कान बनाना सीखेंगे। तो ये सारे फंदे इधर से ब्लैक, तो अब सीधी तरफ से हम इसका कान बनाएंगे। तो अभी साइड से देखिए, आपको जहाँ पर ब्लैक दिख रहे हैं वो सारे फंदे आप ब्लैक से बना लीजिएगा। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो 8 नंबर पे ग्राफ बनाइएगा, तो ये रैबिट बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा, तैयार होगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 6 फंदे हैं, तो आप इसे एक फंदा कम कर दीजिएगा और ये 5 फंदे लाइट कलर से बनाइएगा। पांच फंदे लाइट कलर से और ये जो है 5 फंदे इधर इस साइड में आप ब्लैक कलर से। तो उल्टी तरफ से देखिए, आपको यहाँ जो ब्लैक दिख रहे हैं उसको ब्लैक बना लीजिएगा और ये इस साइड में इसको भी आप एक ब्लैक बना लीजिएगा और यहाँ पर 4 लाइट कलर के हैं उसको एक आगे बढ़ाकर आप 5 बना लीजिएगा। तो 5 फंदे लाइट कलर से और बाकी जो फंदे हैं इसको ब्लैक कलर से। सीधी तरफ में देखिए, इधर सारे फंदे आपको ब्लैक जो दिख रहे हैं उसको ब्लैक बनाना है और यहाँ पर इसके आगे में आप लाइट कलर से 4 फंदे लाइट कलर से बनाइएगा। और यहाँ पर 1 फंदे ब्लैक कलर से और 1 फंदे लाइट कलर से और बाकी के फंदे आपको ब्लैक कलर से बनाना है। तो इधर आप उल्टी तरफ में देखिए, 7 फंदे ब्लैक कलर से और 2 फंदे लाइट कलर से और फिर यहाँ बीच में आपको 1 ब्लैक कलर से और फिर यहाँ पर 5 फंदे लाइट कलर से, 2 फंदे आप इधर इस साइड में ब्लैक जो है उसको लाइट कलर से बना लीजिएगा। तो ये आपका 5 लाइट कलर से और बाकी के फंदे जो हैं ब्लैक कलर से। देखिए सीधी तरफ में आप 6 फंदे ब्लैक कलर से और यहाँ पर 5 फंदे आप लाइट कलर से बनाइएगा। 5 फंदे लाइट कलर से और यहाँ बीच में 2 फंदे ब्लैक कलर से और इधर 3 फंदे लाइट कलर से और बाकी के जो फंदे हैं इसको ब्लैक कलर से। तो अब उल्टी तरफ में देखिए, इधर आपको 7 फंदे ब्लैक बना लेना है और इधर फिर ये एक साइड में जो ये लाइट कलर का है इसको भी आप 8 फंदे करके ब्लैक कलर से और 2 फंदे लाइट कलर से और इधर जो आप बाकी के फंदे हैं इधर ये लाइट कलर के हैं ये भी अब बंद हो जाएंगे। तो आपका 1 खरगोश का कान बन गया है। तो इधर आप लोग इसको सारे फंदे को ब्लैक बुन लीजिएगा। इसी तरफ में देखिए, ये आपको सारे फंदे ब्लैक बना लेना है
और यहाँ पर भी इसको ब्लैक बनाना है। और जहाँ पर आपको ये दो फंदे दिख रहे हैं इसको आपको लाइट कलर से दो फंदे बुनना है, और ये जो बाकी के फंदे हैं उसको आप ब्लैक कलर से बना लीजिएगा। तो अब उल्टी तरफ में देखिए, इस साइड में जो आपको दिख रहे हैं इसको ब्लैक बना लेना है, और ये भी एक साइड वाला आप इसको ब्लैक बना लीजिएगा। और दो जो लाइट कलर का था तो इसको इधर वाले को एक फंदा बुन लीजिएगा। तो 2, 4, 6, 8 एक 9 फंदे आपको ब्लैक कलर से और एक लाइट कलर से, और बाकी के फंदे जो हैं इधर आपको ब्लैक बुनना है। तो ये अब रैबिट बनके तैयार हो गया है। अब मैं एक सिलाई आपको सीधा बुनकर दिखाती हूँ, जो आपको ये रैबिट बनकर पूरा दिखने में कैसा लगता है। देखिए अब ये रैबिट बनकर मेरा तैयार हो गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।